Hello students, welcome back to Let's Crack CUET. This is your CUET English mentor Janvi Mehra. आप सभी का बेटा वेलकम है आज की इस क्लास पे. सो हम लोग करने वाले हैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ वर्बल एबिलिटी. सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे. और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ, राइट. तो आज की हमारी क्लास है बेटा कौन सी, वर्बल एबिलिटी की क्लास है, बिल्कुल ठीक है. और इस क्लास की अगर मैं बात करूं, सो जस्ट अ सेकंड, व्हाई द पेन इज नॉट वर्किंग, एक मिनट. ओके, यस, ओके, प्रेस दिस, ओके. चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से. चलिए तो सभी बच्चे जुड़ गए हैं, यस. तो आज की क्लास अपनी होने वाली है बेटा वर्बल एबिलिटी की, जो कि आपको नहीं दिख रहा होगा लिखा हुआ, यस. क्लास नंबर 3 होने वाली है आज की. एंड अगर हम बात करें, सॉरी, पार्ट 4 है. और क्लास के बारे में मैं आप सभी को पहले ही बता चुकी हूँ कि देखो सफलता बैच जो है वो अपना शुरू होने वाला है, राइट. पहले इसकी डेट थी 16th of January, लेकिन अब इसको थोड़ा सा हम लोग आगे एक्सटेंड कर रहे हैं इसकी स्टार्ट डेट को, ताकि बहुत सारे जो बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे जो अभी तक इसे परचेज नहीं कर पाए हैं, वो इसके अंदर एनरोल कर लेंगे, ठीक है. मैक्सिमम स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये एक्सटेंड हो गया है आप लोगों का बैच. एंड मैम आज सारे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे बेटा. आज हम करने वाले हैं फुल वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं. एंड ये है आपका सफलता बैच फुल वर्ल्ड. आज आप प्री क्लास में नहीं आए थे, हाई डॉल भी प्री क्लास आज अपनी चल रही थी बेटा, 4:15 से 5:15 थी. अन अकेडमी की ऐप पर अभी भी नहीं देखी है तो जाके रिकॉर्डेड देख लेना. अगेन वो क्लास बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल आप लोगों के लिए रहने वाली है. ऐप पर है वो वाली क्लास आपकी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है. वहाँ पर मैंने खूब सारे वर्बल एबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं और 2 RCs सेम क्लास में ही सॉल्व करवाए थे अभी की क्लास में, ठीक है. रिसेंट क्लास है तो फ्री क्लास आप जाना अन अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है. जब डाउनलोड करोगे तो उसमें CUET कैटेगरी तुम्हारा ओपन कर लेना एंड देन सर्च फॉर माय नेम जानवी मेहरा, तो आपको मेरी फ्री क्लासेस सारी वहां पर आज वाली भी मिल जाएंगी, ठीक है. क्लास में एंटर करने के लिए अगर कोई पासवर्ड मांगे तो पासवर्ड भी मैं बता देती हूँ. देखो पासवर्ड है, कोड है CUET Live, यूज कर लेना क्लास में एंटर करने के लिए, क्लास को ओपन करने के लिए, अनलॉक करने के लिए, ठीक है. समझ रहे हैं, हाय लिपिका, कोई बात नहीं. डॉल्वी उस टाइम यूट्यूब पर वरुण सर की क्लास थी, कोई बात नहीं. दीपल है यहाँ पर, लिपिका, डॉल्वी, फूड वर्ल्ड इज हियर, चलो कोई नहीं, ठीक है. थोड़ा सा पहले समझ लो, ठीक है. आपको मालूम है लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट के साथ आपको डोमेन का कॉम्बो मिल रहा है पूरा का पूरा, चाहे साइंस है और आर्ट्स और कॉमर्स, ठीक है. ऑल 3 कॉम्बिनेशंस आर अवेलेबल टू यू गाइस. बस क्या करने का है आपको, अन अकेडमी के ऐप पर आपको 6 months का जो पूरा का पूरा ये बेटा बैच है वो मिल जाएगा. भाई प्राइस है 5,000 रुपये का पूरे कॉम्बिनेशन का, लेकिन नो नीड टू पे दिस मच ऑफ अमाउंट. यूज द कोड CUET Live ताकि आप 25% का जो है आप डिस्काउंट उसको क्या कर दे, ओपन कर ले, अनलॉक कर ले डिस्काउंट को. आप 25% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा. आपको ये कोर्स पड़ेगा 4,500 का 6 months का, ठीक है. 6 months का ये आपको कोर्स मिलने वाला है, डिस्काउंट आपका मिल जाएगा when you use the code CUET Live in capital letters, ठीक है. चलो मैम time has changed for this class, no, the time is 5:30 actually. my free class on app ended like around 5:20, so I started a bit late, इसीलिए अपनी क्लास थोड़ी सी 10 मिनट लेट स्टार्ट हुई है, क्योंकि इससे जस्ट पहले मेरी एक फ्री ऐप पर क्लास थी, ठीक है, अन अकेडमी पर फ्री क्लास थी. चलो एनालॉजी के क्वेश्चंस, तो बेटा ये सारे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, सो आई थिंक ये वाले आप कर चुके हो. फटाफट से आंसर करते हुए चलो, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आज देकर आई हूँ एनालॉजी के. जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे सारे स्टूडेंट्स, यस. फटाफट से बताएं इसका आंसर क्या है. बच्चों बताओ,
बिल्कुल, देखो मून सैटेलाइट है, अर्थ प्लैनेट है, बी इज योर आंसर, +5 मार्क्स, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं, स्टैमरिंग बेटा हक लाना स्पीच में होता है, डेफनेस यानी कि बहरापन किस में होगा, जल्दी से बताएं। बिल्कुल हर्षित, पूर्वोल, लिपिका, गुड 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 गुड, जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा। सेकेंड आंसर, सेकेंड का आंसर क्या है? बिल्कुल सेकंड का आंसर बी है बेटा, डेफनेस का आंसर है बी, यानी कि सुनने में जो डिसऑर्डर होता है उसे हम कहते हैं डेफनेस कहते हैं। गुड, ठीक है, +5 मार्क्स, बी इज योर करेक्ट आंसर, गुड। चलो आगे बढ़ जाते हैं, सृष्टि इज हियर, फूड वर्ल्ड, डॉल्बी, लिपिका, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक एंड लाइब्रेरी, भाई बुक्स को लाइब्रेरी में रखा जाता है ऐसे ही। शिप फ्लीट में आती है, फिश रिवर में आती है, एरोप्लेन स्काई में आते हैं, या बुके फ्लावर में आते हैं, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। ए बी, बताओ जल्दी से बताओ, ए बी सॉरी बताएं। बुक लाइब्रेरी में रखी जाती है ऐसी, जो जो थर्ड है उसका आंसर क्या होगा। स्टूडेंट्स फास्ट, अपना क्विज चल रहा है, फटाफट से जल्दी से बताएं व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ए बी सी डी। नो सी, रिवर के अंदर और चीजें भी आती हैं, फिश के अलावा रिवर में अदर एनिमल्स भी आते हैं, अदर क्रिएचर्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, स्टोन्स भी आते हैं, फिश फिशरमैन भी आते हैं रिवर में, लोग भी होते हैं। भाई बुक के झुंड को इन्होंने बोला है लाइब्रेरी, तो शिप के, शिप क्या होती है बेटा, जहाज के ग्रुप को बोलते हैं फ्लीट, आंसर है अपना डी। जिन्होंने भी बोला है ए, -1 कर लो, चलो ऑनेस्टी से आंसर इज डी, यस गुड डॉल्बी। फ्यूचर वर्ल्ड सॉरी फूड वर्ल्ड, डी इज योर आंसर, एक है जूस वर्ल्ड एक है फूड वर्ल्ड, चलो आंसर इज डी। शिप के ग्रुप को क्या बोलते हो, फ्लीट बोलते हो, बुक के ग्रुप को बोलते हो लाइब्रेरी बोलते हो, ठीक है समझ रहे हो, आंसर इज नॉट सी डियर। सी क्यों नहीं है सृष्टि, सी यहाँ पर आंसर, देखो यहाँ पर एक यूनिट है और उसका कलेक्शन, यहाँ पर ये कलेक्शन पहले दे दिया फिर एक यूनिट दी, नहीं अगर यहाँ पर होता सी में फ्लावर एंड देन बुके तो अपना आंसर सी हो सकता था, लेकिन इन्होंने ऑर्डर चेंज कर दिया, वन यूनिट कलेक्शन, वन यूनिट कलेक्शन, बट द ऑप्शन इज डिफरेंट, ओके -1, गुड गुड गुड। चलो आंसर था डी, ये वाला बताओ, फॉडर, फॉडर यानी कि चारा, चारा जो है क्या खाती है, कैटल खाती है, पेन इंक खाता है, बॉल स्टिक, फ्रूट जूस या ग्रास हॉर्स, बताएं जल्दी से बताएं। दीपल, सृष्टि, एबी, डॉल्वी, यस स्टूडेंट्स, एवरीवन, क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलो बच्चों। एंड डू लाइक द सेशन स्टूडेंट्स, बेटा डू लाइक द सेशंस एवरीवन। अच्छा दीपल कह रहे डी होगा, बिल्कुल सही बात है, देखो दिस इज द फूड एंड दिस इज द ऑर्गेनिज्म दैट इनटेक्स दैट फूड, राइट, ये फूड है, ये उसका कंज्यूमर है, ये फूड है, ये उसका कंज्यूमर है, आंसर इज डी। इन दोनों में रिलेशनशिप कौन सा है, ये फूड एंड ये कंजम्पशन का, ठीक है आंसर इज डी इंडीड, +5 मार्क्स, गुड गुड गुड। लिपिका, फूड वर्ल्ड, ए बी, यस गुड, एवरीवन सबका आंसर सही है, बहुत बढ़िया। पांचवा बताओ यार, जाइंट ड्वार्फ, जाइंट इज बहुत बड़ा, ह्यूज इन साइज, ड्वार्फ इज छोटा, यानी कि बोना जिसे हम कहते हैं बोना, जीनियस जो कि क्या है, जीनियस इंटेलिजेंट है, ब्रेनी है, इसका बेटा एंटोनिम, जीनियस का बोना सॉरी ह्यूज, बड़े का छोटा एंटोनिम है, रिलेशनशिप एंटोनिम का है, जीनियस का क्या होगा रिलेशनशिप एंटोनिम वाला बताना जरा, जीनियस इज यस गुड गुड। नो सी क्यों है भाई, फूड वर्ड नहीं, इडियट, विकेड इज बेटा चंट, चलाक, इवल, विकेड सी नहीं होगा बेटा, जीनियस कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है जीनियस, और कोई बिल्कुल बुद्धू है, इडियट है, स्टूपिड है, आंसर इज डी नॉट सी, डी इज योर आंसर, डोलवी गुड, हर्षित, लिपिका, अभी सबका सही है, सी किसने बोला था भाई बेटा, क्या ठीक है आंसर है डी, स्टूपिड, इडियट, +5, ये वाला बताओ, जैकल हाउल करता है, भाई जैकल क्या होता है, डॉगी जैसा होता है, क्योंकि एक ओमनिवोर्स एनिमल होता है, है ना, एक ओमनिवोर्स एनिमल होता है आपका जैकल, हाउल करता है, ऐसे करता है, राइट। रेन क्या करती है, रेन की साउंड बताओ जल्दी से, रेन की साउंड क्या होती है बताओ, रेन की साउंड क्या है भाई बताएं, पैटर, गुड पैटर, यस, पटर 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 रेन की साउंड आती है।
आंसर डी प्लस 5 मार्क्स. गुड आंसर इज डी प्लस 5 मार्क्स. बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हुए लिपिका डॉल्फी ने सही आंसर दिया, लिपिका ने, दीपल ने दे दिया, फूड वर्ल्ड ने दे दिया. बहुत बढ़िया. फॉक्स होती है चलाक, फॉक्स का एडजेक्टिव यानी कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है. फॉक्स होती है चलाक. रैबिट कैसा होता है? रैबिट होता है टिमिड, डेंजरस, फेरोशियस, करेजियस. बताएं रैबिट कैसा होता है? फॉक्स अगर चलाक होती है तो रैबिट कैसा होता है भाई? बिल्कुल टिमिड. इट इज टिमिड यानी कि इजिली शाय जो हो जाए, इजिली नर्वस जो हो जाए. राइट, आई कैन से समवन हु गेट्स इजिली शाय और गेट्स इजिली नर्वस और इजिली फ्राइटेंड, दैट इज टिमिड. आंसर इज सी प्लस 5 मार्क्स. एंड व्हाट इज फेरोशियस? फेरोशियस इज डेंजरस, एग्रेसिव, दैट इज फेरोशियस. ओके ठीक, आंसर इज सी प्लस 5 मार्क्स. बहुत बढ़िया. ये वाला बताओ, राइटर जो है पेन का इस्तेमाल करते हैं. दिस इज द पर्सन, दिस इज द टूल दैट दे यूज. ये टूल इस्तेमाल करते हैं. पेन लिखना इज हमारा, ये लिखना क्या है? इज माई स्वॉर्ड. पेन इज माई स्वॉर्ड. राइट, तो बताओ बताओ. नीडल टेलर यूज करेगा, बिल्कुल. पेंटर ब्रश यूज करेगा, आर्टिस्ट कैनवस यूज करेगा, टीचर क्लास. बताओ. बिल्कुल भाई, यहाँ पर अगर वो पर्टिकुलर पर्सन है तो ये उसका टूल है. सो पर्टिकुलर पर्सन एंड द टूल, ब्रश इज यूज्ड बाय पेंटर. आंसर इज बी प्लस 5 मार्क्स. गुड 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 गुड. बहुत बढ़िया हर्षित, फुटवर्ल्ड, लिपिका, दीपल, बहुत बढ़िया. गुड डोलवी, एबी, गुड. ओके ऐसे कैनवास का इन्होंने मीनिंग बताया. देखो कैनवास क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत कपड़ा होता है जो कि सेल्स यानी कि जो शिप पर ऐसे सेल लगा होता है ना, इसको बनाने के लिए यूज होता है कैनवास. बैग्स बनाने के लिए कैनवास, शूज बनाने के लिए यूज होता है, टेंट्स बनाने के लिए. मोटा एकदम कपड़ा होता है कैनवास कपड़ा, है ना. और पेंटिंग वाला कपड़ा भी होता है, स्ट्रॉन्ग कपड़ा जिसपे पेंटिंग बनाई जाती है ना, जो कैनवास ऐसे होता है ना, बोर्ड सा कैनवस. गुड, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्मोमीटर. थर्मोमीटर इज द, आई कैन से, मेजरमेंट टूल विच मेजर्स व्हाट? हीट. हीट को मेजर करता है थर्मोमीटर. बैरोमीटर किसको मेजर करेगा? किस चीज को मेजर करेगा? बैरोमीटर. तब अपने मार्क्स ना -1 भी करते रहना जो गलत कर रहे हो बेटा, ऑनेस्टी के साथ. एंड में अपने मार्क्स बताएंगे सारे बच्चे. चलो, थर्मोमीटर हीट को करता है मेजर, बैरोमीटर किसको करेगा मेजर? पक्का पक्का, प्रेशर, एबी, फुडवर्ड, लिपिका. चलो चलो, गुड 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 गुड. यस, प्रेशर को करता है बैरोमीटर मेजर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बैरोमीटर. ह्यूमिडिटी को जो मेजर करता है हाइग्रोमीटर. ऑल्टीट्यूड को जो मेजर करता है ऑल्टीमीटर. ऑल्टीट्यूड को जो मेजर करता है ऑल्टीमीटर इट इज. ठीक है, ऑल्टीमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर याद कर लो, लर्न कर लो राइट नाउ. इसे लर्न करो फटाफट से. चलो बढ़े आगे. आंसर इज बी प्रेशर. गुड. डेमोग्राफी पीपल. डेमोग्राफी क्या होता है? लोगों के बारे में जो लिखी गई क्या है? रिटन अकाउंट. आई कैन से समथिंग विच इज अ रिटन अकाउंट for people, for the general crowd. Demography. Demo एक ऐसा root word है जो लोगों के लिए आता है. Graph का मतलब होता है लिखना, लिखना या create करना या बनाना. आयुषी पाठक, hello, hello, hello. बेटा philatelist कौन होता है? Philatelist जो कि good stamps, food word good. ओके, जो देखो डेमोग्राफी सर्वे को समझ आया कि लोगों के लिए जो रिटन अकाउंट होता है, लोगों के बारे में जो रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं उसे हम कहते हैं डेमोग्राफी. द डेमोग्राफी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. दिल्ली की डेमोग्राफी की अगर हम बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड होगी. चलो, फिलेटलिस्ट होता है जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है, स्टैम्प्स को स्टडी करता है, रिसर्च करता है, उनको कलेक्ट करता है. बी फिलेटलिस्ट प्लस 5. जिन्होंने आंसर दिया इसका बी. गुड,
11th, ओके. टैडपोल, नाउ दिस इज द यंगर वन, दिस इज द मम्मी पापा. देखो फ्रॉग के बच्चे को बोलेंगे टैडपोल, कब किसके बच्चे को बोलेंगे, कब किसके बच्चे को बोलेंगे बोलो. फ्रॉग के यंगर वन को बोलेंगे टैडपोल, फ्रॉग के यंगर वन को बोलेंगे टैडपोल, कब किसके यंगर वन को बोलोगे. आयुषी लिपिका का यहाँ पर देखो मिलाप चल रहा है. एंड आयुषी लिपिका, ओके. दीपल एबी, सबसे पहला आंसर पता किसका आया था, लायन. ओके आयुषी लिपिका का आया सबसे पहला आंसर, गुड गुड गुड. लायन का बच्चा होता है कब, गुड इज योर आंसर. डॉग के पास क्या होता है, कैनाइन्स होते हैं, ये वाले टीथ जो शार्प वाले होते हैं ना, भौंकते तो दिखते हैं. हॉर्सेस के पास क्या होता है बताओ, आई लुक सो फनी ऐसे दिखाते हुए, राइट. हॉर्सेस के पास क्या होता है बेटा, हॉर्सेस के पास क्या होता है टेल मी. ग्रास होती है, रेस होती है ना, हूफ होता है, ट्रांसपोर्ट होता है. फूड वर्ल्ड, एबी लिपिका, गुड 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 गुड. आंसर इज सी, हूफ होता है. जैसे ये देखो, ये मैं हॉर्स की टांग बना रही हूँ, हंसना नहीं बस, ठीक है. ये हॉर्स की टांग है, ये होता है हूफ, ये हॉर्स की टांग है, ये होता है हूफ. ये जो पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर है ना, जिससे वो चलता है, जिससे वो चलता है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर, ये जो हॉर्न वाला पार्ट है, इसे कहते हैं हूफ. ठीक है, +5 मार्क्स. सी इज योर आंसर. बेटा हंस क्यों रहे हो, तुम्हारी टांग नहीं बनाई है मैंने फूड वर्ल्ड, ठीक है हंसो मत. चलो ब्लैक कलर का, हाँ ब्लैक कलर का, यस ओके गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया. सी इज योर आंसर. ब्रिक, ब्रिक ईट, मेसन मिस्त्री. भाई ब्रिक को यूज करेगा मेसन घर बनाने के लिए, कलर को कौन यूज करेगा, कॉबलर जो टपक टपक करता है. हाँ बिल्कुल सृष्टि, समझ गए आप, है ना. और घोड़ा ऐसे ही तो करता है, ऐसे भी करता है. और तो अभी आप सुनना ध्यान से, है ना, तो परेशान करो तो ऐसे करता है, ऐसे करते थे. चलो कलर को यूज करेगा पेंटर. सी +5 मार्क्स, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. सी इज योर आंसर. मजेदार पार्टिसिपेशन आ रहा है बच्चों का, बस यही तुम्हारा प्यार चाहिए, इसी से मैं बस घायल हो जाती हूँ. देखो हेन जो है वो एग देगी, ट्री जो है वो क्या देगा बच्चा, नहीं ट्री क्या देता है आप बताओ जल्दी से. बाक, टहनी, सीड, बीज, लीव्स देगा या फ्रूट देगा, जल्दी से बताओ. +5 कर रहे हैं ना सब अपना मार्क्स, +5 जो सही आंसर दे रहे हैं +5 मार्क्स करना बेटा, जो गलत देगा -1 करेगा, माता रानी की कसम तुम्हें. यस सी दिस इज बेसिकली, ये क्या है, ये हम कह सकते हैं दिस इज द प्रोडक्शन, दिस इज द प्रोडक्ट गिवन बाय दिस प्रोड्यूसर, दिस इज द हेन, दिस इज द प्रोड्यूसर. व्हाट इज द प्रोडक्ट, फ्रूट्स आर द प्रोडक्ट, फ्रूट्स आर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट. ओके डी इज योर आंसर, गुड +5, गुड. ठीक समझ आया, बहुत बढ़िया. दीपल सृष्टि, डोलवी फूड वर्ल्ड, बहुत बढ़िया. सृष्टि फ्रूट्स, ओके वाह लवली. फ्रूट्स, पाइन एप्पल्स, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, ओके गुड 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 गुड. टमाटर भी है आई थिंक, नहीं टमाटर नहीं है, एप्पल है. ओके नाउ एग्जाम जो है वो एग्जामिनर कंडक्ट करवाता है. नाउ ये मान लो एक क्या है, इवेंट है जिसको ये कंडक्ट करवा रहा है एग्जामिनर. तो कौन क्या कंडक्ट करवाता है, लोन क्या बैंक कंडक्ट करवाता है, नहीं उल्टा होना चाहिए था. इंस्पेक्शन एक्सेप्टेंस, नहीं. फिल्म कॉमेडियन, नहीं भाई. इलेक्शन जो है, जो वोट डलते हैं वो ऑब्जर्वर कंडक्ट करवाएंगे. थैंक यू सो मच सृष्टि, बहुत काम करते हैं, क्या करें चाहिए भी. देखो इलेक्शंस जब होते हैं तो उनको कंडक्ट करवाना, उनको ऑब्जर्व करना कि ठीक से वोटिंग हो रही है या नहीं हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है या नहीं है, ठीक है. वोटिंग बूथ पे, जो पोलिंग बूथ पे जो बैठते हैं, जो ये सब करते हैं, ऐसे टीका लगाते हैं यहाँ पे, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनडेलिबल इंक, सॉरी इनडेलिबल इंक, ठीक है. जो ये वाली इंक होती है ना ब्लू वाली, उसे हम बोलते हैं इनडेलिबल इंक, जो मिटे ना, जो मिटे नहीं, दैट इज इनडेलिबल इंक. ओके तो आंसर इज ए, इलेक्शन ऑब्जर्वर. +5 मार्क, गुड. गॉट इट, गुड 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 गुड. समर, समर ने गलत दे दिया बेटा आंसर.
इज योर आंसर. बहुत बढ़िया, +5 मार्क्स कर लेना सब अपने. चलो नाउ कलर रेड अगेन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कैटेगरी है ना कलर, और ये उसके अंदर की सब कैटेगरी, रेड, येलो, पिंक, ब्लू, पीच. ओके प्रोफेशन क्या होता है, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, है ना, ये सारे प्रोफेशन हो गए. कोर्ट नहीं होगा, स्कूल ब्लैक नहीं होगा. यस प्रोफेशन अलग अलग नाम होते हैं, राइट. तो ये अगर कॉमन नाउन है तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा लॉयर. गुड प्रज्ञा, आंसर इज ए, +5 मार्क्स, बहुत बहुत उम्दा. ठीक है 17A दीपल, गुड प्रज्ञा, फूड वर्ल्ड, सृष्टि, आयुषी, चलो बहुत बढ़िया. लिपिका कहाँ चली गई, चलो आ जाओ तुम भी, आ जाओ लिपिका. 18 बताओ, सिनोनिम का उल्टा क्या होता है, एंटोनिम होता है, यू नो राइट. एंटोनिम इज द ऑपोजिट ऑफ सिनोनिम, सो द रिलेशनशिप इज ऑफ ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर, राइट. ऑपोजिट्स, नाउ व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ एनालिसिस, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ एनालिसिस, टेल मी. 18th का बताएं, डोलवी सेइंग 8th, ए. एनालिसिस क्या होता है, कोई भी चीज का आप एक, मान लो आपने कोई बुक पढ़ी, जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि कोई बुक है उसमें अगर 12 चैप्टर्स है तो आप पर चैप्टर जो है क्या कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं हर एक यूनिट का, आप अलग अलग से क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, एक समराइज कर रहे हैं आप उसे, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप, एनालिसिस कर रहे हैं उसका यूनिट वाइज, ठीक है. पूरी बुक का आप सारे चैप्टर का एक साथ पूरी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, सारे आइडियाज को आप समराइज कर रहे हैं, सो यू सिंथेसाइज, सिंथेसिस इट इज, आंसर इज ए. यस ब्रीफली आप एकजुट होकर ऑल टुगेदर एज अ होल जब अंडरस्टैंड कर रहे हैं या समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, दैट इज सिंथेसिस एज अ होल. जब यूनिट वाइज अलग अलग चीजों को आप एनालाइज कर रहे हैं, आइडिया क्या है, पीछे कॉन्सेप्ट क्या है ना, ठीक है, कंक्लूजन क्या है, सारी चीजों को एक साथ अगर आप समझ रहे हैं तो फिर वो हो जाएगा सिंथेसिस. एनालिसिस का उल्टा इज सिंथेसिस, +5. गुड ए इज योर आंसर, गुड. ओके दीपल रॉय -1 कर लिया, गुड गुड गुड, ए इज योर आंसर समर, गुड. सृष्टि, आयुषी, यस ए ए ए इज योर आंसर, बढ़िया. +5 कर लेना जिन्होंने सही दिया था. बाइनोक्यूलर से क्या दिखता है बेटा, व्यू, दूर का व्यू, पास दिखता है ना दूरबीन से. नाउ शोवल, शोवल क्या होता है, पेनर, टोंग्स एंड चिजल. टोंग्स होते हैं आपके चिमटा, जिसे जिससे रोटी नहीं पकड़ते है, रोटी पकड़ने वाला चिमटा है दिस, ठीक है. शोवल इज आई थिंक दिस, ये जो होती है ना इसे कहते हैं शोवल, जिससे सीमेंट उठाया जाता है. अच्छा स्पैनर, आई हैव टू चेक. चिजल, चिजल इज फॉर ग्राइंडिंग, लेट मी जस्ट चेक. चिजल क्या लग रहा है यार इसका, क्या था, क्या होगा, लेट मी जस्ट चेक. स्पैनर क्या है, स्पैनर, ओके स्पैनर इज रेंच, जो ये होता है ना बेटा आपका, ये जो होता है ना रेंच, जिससे ऐसे पेचकस जिसे हम कहते हैं हिंदी में, है ना. आई थिंक बाइनोक्यूलर से आप देखते हैं, शोवल से आप स्कूप करते हैं. देखो शोवल से आप सीमेंट उठाते नहीं हो, छोटा छोटा हिस्सा लेके आप सीमेंट का उठा नहीं रहे हो शोवल से, आंसर ए होगा, ठीक है, ए होगा बेटा. शोवल, शोवल इज वही फावड़ा जिसे कहते हैं ना, शोवल को हिंदी में फावड़ा कहते हैं, जिससे सीमेंट उठाया जाता है, ठीक है. आंसर मेरे हिसाब से ए है. चिजल भी देख लेते हैं भाई, चिजल क्या है, चिजल क्या है यार, चिजल छोटे वाला होता है कुछ, पता नहीं कौन सा ये यंत्र है, ये तो मैंने किसी को कभी यूज भी करते हुए नहीं देखा है. चलो जो भी है, आंसर अपना ए है ना, ठीक है. मैम वरुण सर की स्पेशल क्लास है बेटा, ओके कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं. आंसर ए है बच्चों, आंसर ए है, सी नहीं है, ठीक है, सी नहीं है आंसर, आंसर इज ए, गुड, आंसर इज ए. चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा, मीनिंग मैंने बता दी. देखो
शोवर होता है ऐसा जिससे सीमेंट उठाते हैं, ठीक है। टोंग्स मैंने आपको बता दिए, टोंग्स क्या होता है, चिमटा होता है बेटा। स्पैनर होता है आपका ये, जिससे हम पेच कसते हैं ना, जिसे हम पेचकस नहीं कहते हैं। चिजिल होता है आपका ऐसा, मैंने कुछ देखा नेट पर तो ऐसा कुछ आ रहा है चिजिल का शेप, ये चिजिल है, ठीक है। ये मीनिंग है, ये कुछ नहीं है, मीनिंग नहीं है, ये सारे टूल्स के नेम है। ओके, आंसर ये था। प्रोलॉग, एपिलॉग, डॉन। चलो आप बताओ क्या होगा बेटा। प्रोलॉग क्या होता है, कोई बुक पढ़ते हो, कोई प्ले पढ़ते हो, तो उसकी स्टार्टिंग में गिवन होता है एक रिटन, यू नो, 2-3 पेज का प्रोलॉग होता है ना। प्रोलॉग होता है या एपिलॉग होता है स्टार्टिंग में। हाँ, डॉन का उल्टा डस्क होता है, ऐसी जो एंड में हो उसे कहते हैं एपिलॉग। बुक के एंड में, बुक के एंड में जो रिटन चीजें होती हैं बुक के बारे में या एक्स्ट्रा बातें, उसे कहते हैं एपिलॉग। ऐसे ही दोनों आपस में बेटा क्या है, एंटोनिम्स ऑफ ईच अदर है। डॉन का एंटोनिम इज डस्क, राइट। डॉन एंड डस्क क्या होता है। अब डॉन का मतलब बेटा, डॉन का मतलब है जब सनराइज होती है, दैट इज डॉन। सनसेट इज डस्क, सनसेट इज डस्क। सूरज उगता है, डॉन होती है, डस्क होती है जब सूरज ढलता है ना, डस्क। ओके, गॉट इट। डॉन इज द एंटोनिम ऑफ डस्क। गुड, आंसर इज ए। ट्वाइलाइट क्या होता है बेटा, अर्ली इवनिंग, जैसे तो बिल्कुल शाम, जब शाम की शुरुआत होती है तो बहुत ही हसीन होती है, ट्वाइलाइट उसे कहते हैं। ओके, दैट इज ट्वाइलाइट। आंसर वैसे इसका ए है, प्लस 5 है ना। सॉल्ट खाने से क्या बढ़ता है, हाइपरटेंशन आ जाता है, यानी कि ये डिसीज हो जाता है, हाइपरटेंशन, बंदे का बीपी बढ़ जाता है। ज्यादा सॉल्ट खाओगे तो हाइपरटेंशन होने लगेगी। शुगर से क्या होगा, कॉज, व्हाट इज द कॉज। सी, दिस इज द रीजन एंड दिस इज द कॉज, दिस इज द कॉज, दिस इज द इफेक्ट। भाई इस वजह से ये हुआ, ये रिजल्ट है, ये इफेक्ट है, ये कॉज है, शुगर, डायबिटीज। गुड, बी इज योर आंसर, +5 मार्क्स। बहुत बढ़िया लिपिका, सृष्टि, हर्षित, बजरंगी, बहुत बढ़िया सृष्टि, दीपल, बहुत बढ़िया बेटा। आंसर है अपना डायबिटीज। वीडियो बेटा, वीडियोस, कैसेट, कैसेट्स में वीडियो क्या होती है, स्टोर होती है। दिस इज बेसिकली यूज फॉर स्टोरेज। कंप्यूटर की स्टोरेज किस में होगी मैम, पहले इस तरह के वर्ड्स, ये स्पेशल क्लास ले लो अदरवाइज गलत ही होंगे बेटा। कौन से इस तरह के वर्ड्स। अच्छा, आपको ये वर्ड्स, आपको एनालॉजी नहीं आ रहा समझ, एनालॉजी पता है, ये क्वेश्चंस मैं पहले भी करा चुकी हूँ आप लोगों को, ये हम सेकेंड टाइम कर रहे हैं। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहे हैं सृष्टि, ठीक है, यस लिपिका बताओ पहले, है ना, ये कर चुके हैं हम लोग, ये करवा चुकी हूँ ऐसे वर्ड्स पहले, यस। तो कंप्यूटर की स्टोरेज होती है, यस, फ्लॉपी में, ठीक है। ये बिट्स जो है, ये रिटन लैंग्वेज होती है ना। बिट्स में क्या होता है, बिट्स में जो 0, 1 बाइट्स, ये सब जो होता है ना, ऑल ऑफ दैट। आंसर इज बी, फ्लॉपी। कंप्यूटर का स्टोरेज इज इन बी, फ्लॉपी। ओके सृष्टि, ठीक है, समझ आया बेटा। ये करा चुके हैं क्वेश्चंस अपन, इसीलिए आज हम फटाफट से करेंगे एनालॉजी को। तो ये वाला बताओ, मेसन प्लम्ब लाइन, मेसन यानी कि प्लम्ब लाइन, आई थिंक दिस इज प्लम्ब लाइन, जहां पर पानी जिससे पास ऑन करते हैं ना, जो पानी की पाइपलाइन होते हैं उसे प्लम्ब लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी मरम्मत करता होगा जो मेसन है। ऐसे ही ब्लैक स्मिथ फोर्सेप को यूज करेगा, गार्डनर सॉ को तो यूज नहीं करता बेटा। सॉ से तो लकड़ी घिसी जाती है, सॉ से तो लकड़ी घिसी जाती है। स्पेड क्या होता है बेटा, स्पेड होता है आई थिंक आपका ये खुरपी जिसे कहते हैं ना, ये होता है आपका स्पेड, जिसे खुरपी कहते हैं, जिससे सीमेंट ऐसे डाला जाता है, आपने देखा होगा घर बनते हुए। सर्जन, हाँ बिल्कुल बेटा, ब्लैक स्मिथ ये थोड़ी यूज करेगा खुरपी, ब्लैक स्मिथ तो आयरन का काम करता है, तो हथौड़ा वगैरह यूज करेगा बेटा। ए होगा आंसर। जो सर्जन है वो स्कैल्पल का यूज,
आई डोंट थिंक सो कि करेगा, 1 मिनट चेक करने दो बेटा। स्कैल्पल वो तो स्कैल्पल होता है क्या वो, जिससे हम क्या करते हैं डाइसेक्ट करते हैं, स्कैल्पल होता है? आर यू श्योर? करनी नहीं होता बेटा, करनी तो आइडिया नहीं है मेरे को, आप हिंदी में क्या बता रहे हो। स्कैल्पल तो पक्का सही है मेरे हिसाब से, फिर भी विल चेक एक बारी। हाँ स्कैल्पल से तो जो कट लगाते हैं ना सर्जरी के लिए बॉडी पे, दैट इज स्कैल्पल। मेरे को फोरसेप चेक कर लेना है एक बारी, फोरसेप का मैं गलत ना बता दूँ तुम्हें। फोरसेप इज, अच्छा देखो जो सर्जिकल कैंची होती है ना, अरे कैंची बनानी थी मेरे को, देखो जो वो तो सर्जिकल कैंची ये वाली जो बहुत पतली सी ऐसे कैंची नहीं होती, सर्जिकल वाली जो आपने डॉक्टर के पास ऐसे रखी हुई देखी होती है, वो होती है आपकी फोर्सेप। ठीक है याद कर लो, प्लीज याद कर लो। 30 वीडियोस करा चुके हैं मैं, चेक किया बिल्कुल। आयुषी पाठक भयंकर करा चुके हैं यार, और ये 30 सिर्फ यूट्यूब पे है, ऐप पर मैं फ्री में भी 10 क्लासेस अराउंड ले चुकी हूँ। ऐप में फ्री क्लास आप उसमें देख सकते हैं, कोई उसका 0 रुपीज है उसका चार्ज, कोई पैसा नहीं है कि फ्री क्लास। आप जाना आप ऐप में जानवी मेहरा को सर्च कर लेना, CUET कैटेगरी में मेरी फ्री क्लासेस देख लेना। क्लास में एंटर करने के लिए अगर कोई पासवर्ड मांगे तो ये डाल देना, CUET लाइफ कैपिटल में। ठीक है, अ नाइफ विद अ स्मॉल शार्प समटाइम्स डिटैचेबल ब्लेड यूज बाय अ सर्जन। बिल्कुल बेटा, बजरंगी जो स्कैल्पल होता है ना उसको बेटा नाइफ होता है, जिससे क्या कट मारी जाती है बॉडी के ऊपर, याद कर लो। चलो याद करते हैं, स्कैल्पल जिससे कट मारा जाए बॉडी के ऊपर, जिससे सर्जरी होती है। स्पेड मैंने आपको बताया, स्पेड होता है ये ऐसा सा, आपने देखा होगा पक्का, जो ये यूज नहीं करते मिस्त्री सीमेंट को लगाने के लिए ब्रिक के ऊपर, इस पे सीमेंट होता है ऐसे रखा हुआ, इसके ऊपर ब्रिक पे लगाया, फिर यहाँ सीमेंट डाला, फिर ब्रिक लगाई, फिर यहाँ सीमेंट डाला, फिर ब्रिक लगाई, है ना, ये स्पेड हो गया। फोर्सेप ये वाली कैंची जो सर्जिकल कैंची होती है। सॉ क्या होता है बेटा, जिसमें जो जिससे लकड़ी नहीं घिसते, जिसमें यहाँ से क्या निकलता है बुरादा निकलता है, जिसे हम कहते हैं सॉडस्ट, लकड़ी का जो वो निकलता है ऐसे बुरादा। यस लिपिका आई नो। ओके ठीक है, ओके सृष्टि आपके 1 फेब से एग्जाम है यार, डोंट वरी डोंट वरी। ठीक है ये सारी वीडियोस रिकॉर्डेड रहने वाली है, आप जब मर्जी फास्ट फॉरवर्ड करके देखो। वैसे भी यही चीजें जो CUET है बेटा, ये काम आएगा आपके कॉलेज के एडमिशन में। बोर्ड्स आपका सिर्फ एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी है सिर्फ बोर्ड्स आपका। ठीक है बोर्ड से सिर्फ आप एलिजिबल बनते हैं CUET में जाने के लिए। ठीक है आंसर इज ए, बहुत टाइम लगा दिया हमने इस क्वेश्चन में, +5 मार्क्स। चलो सहारा डेजर्ट जो है अफ्रीका में है, कौन सा डेजर्ट कहाँ है सही बताओ जरा। मैम आपकी क्लास मुझे 2 दिन पहले मिली। ओके आयुषी ठीक है, आई एम ऑल्सो कनेक्टिंग एवरी क्लास, थैंक यू सो मच दीपल, लव यू लव यू। ठीक है बेटा, सब लोग को पता है ना अभी, आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स देखो पहले से मेरे को जानते हैं। अगर मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दूँ तो मैं CUET 2022 में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट को पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है कहीं और पढ़ाती थी मैं, ऑनलाइन ही पढ़ाती थी, तो वहाँ पर मैंने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया था जब CUET 2022 में पहली बार हुआ। उसी में से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स में से 1200 स्टूडेंट्स के 100% आए थे पढ़ के। ठीक है मुझसे, तो दिस इज माई इंट्रोडक्शन। नाउ सहारा अफ्रीका में है, अच्छा, सृष्टि कह रही है, दीपल कह रहे हैं, ठीक है चलो। हाँ अच्छा इन्हें पता है। सो सहारा अफ्रीका में है, सृष्टि दीपल ये वाला भी बता दो फिर, कौन सा कहाँ पे है? गोबी डेजर्ट जो है एशिया में है, राइट, एशिया में है गोबी डेजर्ट। ओके सी इज योर आंसर, +5 मार्क्स, गुड। हाँ जी हाँ जी सृष्टि, ठीक है वरुण सर भी वहीं पे पढ़ाते थे, तो अपन ने बहुत बढ़िया पढ़ाया उधर। सो वी आर लाइक कि चलो अभी अपना गोल और हाई है कि इस बार मतलब 5,000 बच्चों को ना 100% दिलवाना है कुछ भी करके। ठीक है हमारे अपने खुद के एक टारगेट होता है ना टीचर का कि यार इतना तो लाना ही लाना है अब कुछ भी करके। ठीक है तो वो लोग आप लोग अचीव कराओगे, जितने बच्चे आएंगे जितने ज्यादा 100% आएंगे उतना ही ज्यादा चांसेस है कि तुम लोगों का जो है और अच्छे कॉलेज में और बढ़िया सीट्स में अब एडमिशन हो,
और इस साल से या फिर नेक्स्ट ईयर से जो आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, उनके इंडियन कैंपसेस भी ओपन हो रहे हैं इंडिया में। जो आपकी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि कुछ, जैसे येल यूनिवर्सिटी हो गई या ड्यूक हो गई, ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज़, मैं ये नहीं कह रही कि इनके इंडियन कैंपसेस ओपन होंगे इंडिया में, लेकिन लेकिन जो आपकी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज है ना, टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ ऑल ओवर दी वर्ल्ड, उनके इंडियन कैंपसेस ओपन हो रहे हैं इंडिया में, एलिजिबिलिटी वुड बी CUET इफ, ठीक है, अगर, क्योंकि ऐसा मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा है, ठीक है, तो तैयार हो यार CUET के साथ। हो सकता है कि इस साल भी कोई नया कैंपस ओपन हो किसी फॉरेन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का, एंड यू नेवर नो, क्या पता आप उसमें पढ़ रहे हो, है ना जी। ठीक है, तो इस एम को बेटा लेकर चलना। मैम अभी हिस्ट्री क्लास है, पेट पे सो के बाय। ओके ओके सृष्टि, चलो, आई नो यू सिंस 2022। ओके सृष्टि, तुम अभी हिस्ट्री की क्लास मतलब कहाँ से ले रहे हो बेटा? सृष्टि कहाँ से क्लास ले रहे हो तुम अभी? कौन से चैनल से, कौन से ऐप से? हाँ, पेड वाली है कहाँ पर सृष्टि? मैं ये पूछ रही थी तुमसे। देखो, सीस्मोलॉजी जो है ये अर्थक्वेक की स्टडी होती है, तो कौन सी स्टडी किस चीज की होती है, जल्दी से बताएं। हाँ आयुषी है बेटा, है आयुषी, इट इज देयर। ठीक है, एबी बताएं। ओके, अन अकेडमी पे सृष्टि। ओके, हिस्ट्री पेड, चलो ठीक है, पढ़ लो बेटा। जो सीस्मोलॉजी होती है वो अर्थक्वेक का स्टडी होती है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। प्लांट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हो? नहीं, इंसेक्ट की स्टडी, सुबह मैंने बताया था, इंसेक्ट्स की स्टडी को हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी होती है बर्ड्स की स्टडी, नो डाउट। साइकोलॉजी होती है, यू नो, साइकोलॉजी इज ऑफ ब्रेन और ब्रेन डिसीजेज और लाइक ह्यूमन साइकोलॉजी, उसकी स्टडी। रेनल साइंस होती है किडनीज की जो स्टडी होती है, दैट इज योर रेनल साइंस। आंसर इज बी। ओके ओके सृष्टि, ओके, CU CU CU, बाय। चलो, ए बी ने आंसर गलत दे दिया, आंसर अपना बी था, बी इज योर आंसर। ऑर्निथोलॉजी होती है बर्ड्स की स्टडी, +5 मार्क्स, गुड। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। फॉक्स विक्सन, फॉक्स का जो मेल जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर हो गया वो होता है, नहीं, सॉरी, फॉक्स मेल होता है, विक्सन उसकी फीमेल होती है। बताएं। आई वाज कंफ्यूज्ड, इट्स ओके डीपल। चलो बताओ, बाकी बच्चे कहाँ गए? लिपिका, बजरंगी, डोलवी भी नहीं है, सब सो गए। बिल्कुल, देखो, फॉक्स मैस्कुलिन जेंडर है, विक्सन है फेमिनिन जेंडर। नाउ बटरफ्लाई कैटरपिलर नहीं, ये बेटा ये होती है अर्ली स्टेज ऑफ बटरफ्लाई, है ना, कैटरपिलर से ही बटरफ्लाई बनती है आपकी। स्टैग डो नहीं, कोल्ट हॉर्स नहीं, कोल्ट होता है बच्चा हॉर्स का बेटा। बी का जो मैस्कुलिन होगा वो होगा ड्रोन, बी होती है फेमिनिन, ये फीमेल ये मेल। गॉट इट आयुषी पाठक? आंसर इज ओके। चलो बढ़े आगे, बहुत जल्दी ना मैं स्मार्ट बोर्ड से क्लास लेना स्टार्ट करूंगी, उसमें और मजा आएगा। ठीक है, उसमें मैं पूरा ना आपको टाइमर लगा के दूंगी, फिर स्मार्ट बोर्ड वाली क्लास में। मेरा स्मार्ट बोर्ड ना अभी इंस्टॉल हो रहा है घर पे, तो उसमें फिर हम क्लास लेंगे भयंकर वाली, मजेदार, मजा आएगा। फिर वरुण सर के साथ भी क्लास लेंगे, पहले सेम क्लास में पहले आपको मैं पढ़ा दूंगी या वरुण सर पढ़ा देंगे, हूसो एवर इट इज, पूरा पूरा हम मैराथन लेंगे जनरल टेस्ट और इंग्लिश का। ठीक है, अच्छा, ग्रेप्स जो होते हैं ये फ्रूट्स होते हैं, पेपर क्या होता है? पेपर यानी कि मिर्ची। ओके, 7:15 से तो बिना बात का बाय बोल दिया, तो वही बात होगी, जब मेहमान जा रहा होता है तो बड़ा बुरा लगता है कि अरे मत जाओ मत जाओ, फिर बोलता है कि अरे कोई नहीं अभी नहीं जा रहा, फिर लगता है अरे यार चला ही जाता। ठीक है, तो बेटा जो पेपर होता है वो क्या होता है? ड्राई फ्रूट होता है, नहीं सॉरी 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 सॉरी, माय बैड, इट्स स्पाइस, इट्स स्पाइस। ठीक है, स्पाइस होता है आपका पेपर, मिर्ची, +5 मार्क्स। पेपर भी बहुत सारी होती है, व्हाइट पेपर होते हैं, ब्लैक पेपर होती है, रेड पेपर होती है, येलो पेपर होती है, ग्रीन पेपर होती है,
पेपर आपकी बहुत सारी टाइप्स की होती है। चलो चलो, अच्छा ये वाला बताओ, बिजनेसमैन को क्या चाहिए लाइफ में? प्रॉफिट, यानी कि बिजनेसमैन की जो अर्निंग है वो किससे होती है? प्रॉफिट से होती है। ऐसे ही डॉक्टर की पेशेंट से अर्निंग होगी, वर्कर की वेज से, पुलिस की क्रिमिनल से, कोर्ट की जज से। अर्निंग किसकी किससे होती है राइट? इसका सर्वाइवल किस चीज पे डिपेंडेंट है? टेल मी, बोलो बच्चों। बिल्कुल, वेजेस आर लाइक कि डेली की जो दिहाड़ी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना, डेली वेज वर्कर्स जो होते हैं, वेजेस। तो बी इज योर आंसर, दे अर्न थ्रू वेजेस, वर्कर। बी, गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएं। देखो बीज क्या करते हैं, यानी कि हम कुछ करते हैं, बट आंसर यहाँ पे क्वेश्चन ही रॉन्ग है। आउल क्या करता है? चाइल्ड ही नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है बेटा। द क्वेश्चन इज रॉन्ग इन इटसेल्फ। चलो, पेरेंट, फादर क्या है? पेरेंट है। मदर क्या है? पेरेंट है, ठीक है। सिस्टर क्या है फिर बताओ? सिस्टर क्या है? सगी बहन। अदर, ब्रदर, डॉटर, सिबलिंग। सिस्टर क्या होती है? हाँ, आउल्स हूट करते हैं। यस यस लिपिका, आउल्स हूट करते हैं, गुड। इन इंडिया डेली वेजेस इज डिक्लेयर्ड अबाउट 500। डेली का 500 रुपये आप कह रहे हो? डेली का 500 रुपये आप डेली वेज हो गया है क्या डिक्लेयर, कि डेली 500 रुपये तो मिलेगा ही एक वर्कर को? क्या आप ऐसी बात बता रहे हो मुझे? आई डोंट नो अबाउट दिस। अगर ऐसा हुआ है तो देन इट्स अ ग्रेट न्यूज। सिस्टर मतलब मंथ का 25,000, मंथ का। हाँ, सिस्टर क्या है? सिबलिंग है। सिस्टर क्या है? सिबलिंग है। ब्रदर क्या है? सिबलिंग है। प्लीज योर आंसर, +5 मार्क्स। ओके, प्लीज योर आंसर, +5 मार्क्स, गुड। यस मैम। हाँ, ये मैंने कहीं सुना था कि जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, जो वो एज अ ट्रेनी अगर ज्वाइन करेंगे किसी भी फैक्ट्री को, तो उनको मिनिमम 25,000 रुपये तो मिलेंगे ही, और ऊपर जो एक्सपीरियंस हैं शायद उनको 45,000 रुपये मिलेंगे मंथ के। ऐसी कुछ स्कीम आई है, आई हैव हर्ड ऑफ इट एंड आई हैव लाइक ओवर हर्ड इट। मैंने ये भी किसी से सुनी, और आप यकीन नहीं करोगे मैंने किससे सुनी। तो मैं अपना एक आपको इंसिडेंट बताती हूँ। सो ई रिक्शाज आपको पता है, एंड लाइक आई एम वेरी हम्बल, और मैं ई रिक्शा से ट्रैवल करती हूँ। मतलब इट्स नॉट अबाउट ह्यूमिलिटी, हम सब लोग करते हैं राइट, जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, ई रिक्शा से ट्रैवल करें, और मज़ा आता है घूमने में ई रिक्शा में। तो ई रिक्शा में मैं बैठी हुई थी, और वहां पर वन वर्कर वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू द ड्राइवर ऑफ ई रिक्शा। तो ही वॉज टेलिंग द ड्राइवर अबाउट दिस स्कीम, कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ है कि जो नया इंटर्न ट्रेनी आया है उसे 25,000 मिनिमम मिलेगा, 45,000 उसे मिलेगा जो इन एक्सपीरियंस्ड है ना। उसने ऐसा कुछ मुझ मतलब मुझे नहीं, उसको बताया ड्राइवर को, तो मैंने ये सुनी, मतलब ऐसे ना उड़ती उड़ती बात। चलो, प्लीज योर आंसर। ई रिक्शा में बैठना पसंद है किसी को? चलो, तो बुक के क्या होते हैं? पेजेस होते हैं, बुक के पेजेस होते हैं। लैडर के क्या होते हैं? लैडर, आई मेक लैडर दिस दिस, ये क्या होते हैं लैडर के बताओ? मुझे भी पसंद है, बड़ी स्मूथ चलती है ई रिक्शा। चलो, लैडर के क्या होते हैं? बुक के पेजेस होते हैं, लैडर के क्या होते हैं? दीपल। ओके, एवी सेम दीपल। अरे वाह यार, सबको मजा आता है, मुझे भी बड़ा मजा आता है, अलग ही फील आती है। चलो, लैडर के क्या होते हैं? स्टेप्स, वॉकिंग पार्ट्स, लेवल्स। यस, स्टेप्स होते हैं ना चढ़ने के लिए, स्टेप्स आर अटैच्ड टू द लैडर। सो आंसर इज 5। हवा हवा, हाँ हवा भाई, बिल्कुल। तुम्हारे स्टेट में ई रिक्शा को क्या कहते हैं? अच्छा, ये बड़ा ना पेचीदा सवाल है, कहीं पे कुछ बोला जाता है ई रिक्शा को, कहीं पे कुछ बोला जाता है। तुम्हारे यहाँ पे क्या बोला जाता है ई रिक्शा को? तुम्हारे स्टेट में कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो तुम लोग? जैसे मैं तो दिल्ली में हूँ भाई, मैं दिल्ली से पढ़ा रही हूँ। हार्ट ऑफ दिस कैपिटल, लाइक हार्ट ऑफ द कैपिटल एज वेल एज द हार्ट ऑफ द कंट्री। तो आई एम सिटिंग हियर एंड टीचिंग यू ऑल। सो तुम लोग बताओ तुम कौन से स्टेट से हो, एंड लैडर के क्या होते हैं? स्टेप्स होते हैं, ठीक है। दिल्ली में तो ई रिक्शा बोलते हैं, ठीक है।
गाइस आप तो किसी का प्रैक्टिकल हो गया, प्लीज टिप्स दे दो या कोई आयुषी की हेल्प कर दो, पूछ ले प्रैक्टिकल के लिए कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, आपस में एक्सचेंज मत करना नंबर्स, एक दूसरे का डिस्कॉर्ड ले लेना ठीक है, या वॉट एवर यू यूज है ना, नंबर्स यहाँ पे मत एक्सचेंज करना। मध्य प्रदेश से हो ठीक है, आयुषी मध्य प्रदेश से है, डीपल दीपल दिल्ली से हो ठीक है, सृष्टि लिपिका कहाँ से हो, अच्छा लिपिका ने मुझे बताया था राजस्थान में ईरिक्शा बोलते हैं, झारखंड से लिपिका। हाँ मेरे यहाँ तो बोलते हैं बैटरी वाला रिक्शा, ई रिक्शा भी बोलते हैं कुछ लोग। चलो, प्लेयर्स जो होते हैं वो टीम का हिस्सा होते हैं। टीम क्या है बेटा, कलेक्टिव नाउन है, आपका टीम इज अ कलेक्टिव नाउन। प्लेयर्स होते हैं कलेक्टिव नाउन का हिस्सा। नाउ व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन विच इज करेक्टली पेयर्ड। हाय प्रिया, मैं बिहारी हूँ, सृष्टि से हम बिहारी। ओके प्रिया, तुम कहाँ से हो, और प्रिया इसका आंसर बताओ। देखो टीम कलेक्टिव नाउन है, प्लेयर्स की टीम होती है, कार का ग्रुप होता है क्या, शिप का फ्लीट होता है क्या, एयरप्लेन का फ्लाइट होता है, या पेन का हीप होता है। देखो यहाँ पर आना चाहिए आपका नेक्स्ट, इधर आपका आएगा एक यूनिट और ये आएगा उसका कलेक्टिव नाउन है ना। तो क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका आंसर? पेन के ही, पेन का तो आई थिंक बंडल होता है, पेन का बंडल होता है ना, बंडल ऑफ पेन। शिप, शिप क्या होती है बेटा, जहाज होती है आपकी, उनके ग्रुप को, बहुत सारी जहाज जब एक साथ चल रही होती है उसे हम बोलते हैं फ्लीट ऑफ शिप। ठीक है, ऐसे ही ट्रक्स जो होते हैं ना उनके ग्रुप को भी बोलते हैं फ्लीट। ठीक है, जब नो एंट्री खुल जाती है तो बहुत सारे ट्रक्स जब एक साथ ग्रुप में चल रहे होते हैं उसे कहते हैं फ्लीट ऑफ ट्रक्स। ठीक है, रहन दो यार ऐसे, मतलब आई थिंक वी शुडंट फोर्स एनीवन। ये सिंह, ओके मैं बिहार से हूँ, मैम आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ प्रिया। ओके बिहार से आई थिंक सृष्टि भी है ना। चलो बहुत बढ़िया। चलो तो भाई अपना आंसर क्या है, बी इज योर आंसर प्लस 5 मार्क्स। ओके आंसर इज बी, फ्लीट ऑफ शिप। ओके चलो ये वाला बताओ, जो डेन है यानी कि डेन ऐसी जगह है, ये घर है लायन का, डेन इज दी होम ऑफ अ लायन, स्टेबल किसका होम होता है? अगेन एनालॉजी बताएं, जल्दी से बताएं स्टूडेंट्स, प्रिया सृष्टि लिपिका दीपल जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स, जो डेन है वो लायन का होता है तो स्टेबल किसका होता है बताओ बच्चों? हॉर्स, गुड 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 यस। 34 का क्या है, हॉर्स रहता है स्टेबल में, रहता है बर्ड नेस्ट में रहती है, लियोपर्ड आई थिंक केव में रहता है, आई एम नॉट श्योर, आई विल चेक। कार तो यू नो कहाँ पे, पार्किंग, और वी कैन ऑल्सो से गैराज में रहता है, कार गैराज वी कैन से। आंसर इज हॉर्स, डी प्लस 5 मार्क्स। ओके दीपल गुड, ये वाला बताओ, वर्टिब्रेट मंकी एक ऐसा टाइप का एनिमल है जो कि एक वर्टिब्रेट एनिमल कहलाता है, वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म भी हम कह सकते हैं, वर्टिब्रेट वो लोग होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी पीछे क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, जिनकी क्या होती है एक रीढ़ की हड्डी होती है पीछे है ना। इन वर्टिब्रेट वो ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स होते हैं जिनकी कोई स्पाइनल कॉर्ड सपोर्ट के लिए नहीं होती है। प्रिया मेरी फ्रेंड है, दैट्स व्हाई टीजिंग हर, और मैं ही इसको यहाँ बोल रही हूँ। ओके 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 अच्छा चलो गुड, बताओ ये वाला बताओ, आयुषी प्रिया एबी लिपिका दीपल जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। इन वर्टिब्रेट यार, स्टारफिश तो इट्स टोटली मेड ऑफ वाटर, इसमें तो आई थिंक मसल्स भी नहीं होते हैं, आंसर ये होना चाहिए डी बिल्कुल, सांप जैसे कहते हैं राइट, डी इज योर आंसर स्नेक। इनवर्टिब्रेट इज स्नेक, समझ गए, मजा आया, चलो आगे बढ़ जाओ फिर। शीप लैम्ब, भाई शीप के बच्चे को हमने बोला लैम्ब, काओ के यंगर वन को हम क्या बोलेंगे बताओ? काओ
के बेबी को क्या बोलेंगे? बिल्कुल दीपल रॉय, दिल्ली बुलाएंगे तुम्हें, दिल्ली घुमाएंगे, दिल्ली की चाप खिलाएंगे। चलो सो काओ के यंगर वन को क्या बोलते हैं? अगेन जल्दी से बताएं बेटा, एनालॉगी एनालॉजी में ये पेयर जो बन रहा है ये है पेरेंट एंड दिस इज द यंगर वन। काफ, काफ इज बछड़ा, बछड़ा जिसके। सी इज योर आंसर प्लस 5 मार्क्स। प्लेयर्स, और रुक जा भाई, प्लेयर्स तो ये तो हमने कर लिया है, चलो भग जा। स्क्रू एंड स्क्रू ड्राइवर है ना, पेच और पेचकस, स्क्रू स्क्रू ड्राइवर है ना भाई। नेल को क्या करता है भाई? नेल को करने के लिए क्या यूज होता है? गुड, बिल्कुल, नेल स्टील। बोलो बिल्कुल, हैमर। पेच को आप पेचकस से टाइट करते हो, नेल को, कील को आप कैसे लगाते हो? हथौड़े से लगाते हो। डी जो आंसर, ठीक है, डी आपका आंसर है, हैमर, हैमर। ओके चलो, अच्छा दूसरी बात, सबको मेरी फ्री क्लास के बारे में पता है ना, ऐप वाली, बार बार बता रही हूँ, ऐप वाली फ्री क्लासेस हैं, बहुत सीरियस क्लासेस हैं, जाके उन्हें देख लेना। वहां पर कैसे मिलेंगी अब मेरी फ्री क्लासेस? अनअकैडमी की लर्नर ऐप डालना, CUET कैटेगरी को वहां पर जब आप डालेंगे, आप सर्च कर लेना मेरा नेम, जानवी मेहरा, मैं आपको ऐप में मिल जाऊंगी। वहां पर जाके आपकी जो सारी मेरी क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी, आप वहां पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, सो दैट जितनी भी मेरी क्लासेस आगे होने वाली हैं उनकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। ठीक है आयुषी प्रिया, ठीक है, आपको पता है इसके बारे में? सृष्टि, आंसर डी था। आप आए नहीं तीनों में से आज कोई भी फ्री क्लास में, ठीक है आ जाया करो बेटा। अगेन आज की क्लास में हमने 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करे थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट थे वो, कोई नहीं रिकॉर्डेड देखना। लेकिन अब फैकल्टी को हम टीचर भी कहते हैं, यानी कि देखो टीचर जो है वो एक सिंगल टीचर होता है, और टीचर के पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फैकल्टी, फैकल्टी कहते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना फैकल्टी ऑफ लॉ, यानी कि पूरा डिपार्टमेंट है जहाँ पे लॉ के टीचर्स हैं, लॉ पढ़ाई जाती है, फैकल्टी ऑफ लॉ। तो आपको बताना है कि कोई ऐसा सिंगल यूनिट और उसका कलेक्टिव नाउन बताएं, बताओ बच्चों। अच्छा सृष्टि सिंह की मजा आ रहा है, ठीक है बेटा, टीचर एक है और पूरे ग्रुप को, टीचर को हम फैकल्टी कह सकते हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अपार्टमेंट्स के ग्रुप को गैलेक्सी कहते हैं? आर यू श्योर? मुझे तो लगता था कि स्टार के ग्रुप को हम गैलेक्सी कहते हैं। क्या बात कर दी यार, गैलेक्सी बोलते हैं क्या अपार्टमेंट्स के ग्रुप को? क्या बात कर दी तुमने, गैलेक्सी ऑफ अपार्टमेंट, तो गैलेक्सी अपार्टमेंट्स आ गए, कहाँ पर है? बैंड्रा में है, तो जहाँ पे फिल्म स्टार वगैरह रहते हैं। कलेक्टिव नाउन, क्या बात कर दी यार तुमने, इतना ज्यादा बॉलीवुड को फॉलो करते हो क्या बेटा? अपार्टमेंट्स के ग्रुप को बोलते हैं ब्लॉक, गैलेक्सी किसको बोलोगे? स्टार्स का ग्रुप होता है गैलेक्सी ना, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स होता है। आंसर हियर इज फ्लीट ऑफ ट्रक्स, बताया था ना थोड़ी देर पहले, ट्रक्स के ग्रुप को आप बोलेंगे फ्लीट, ठीक है ओके, आंसर इज बी। आई थिंक गैलेक्सी अपार्टमेंट में वो रहता है सलमान खान। चलो ये वाला बताओ, वर्क की जो मेजरमेंट यूनिट है दैट इज जूल, एरिया की जो मेजरमेंट यूनिट होगी वो कौन सी है? मेजरिंग यूनिट कौन सी है? दिस इज लाइक व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ एरिया और वर्क? रेडियनाइट, क्या बात कर दी यार, क्या बोल रहे हो यार,
तुम तो मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। मेजरिंग यूनिट एरिया की क्या है? हेक्टेयर। गुड। मीटर भी हो सकती थी एरिया की, है ना, किलोमीटर भी हो सकती थी। पेरीमीटर नहीं होता है, एरिया अलग होता है। एरिया का मतलब ये पूरा, है ना। पेरीमीटर का मतलब ये चारों, इनका सम, ठीक है। लेंथ क्या? लेंथ मेजरिंग यूनिट नहीं है, लेंथ तो एक वन साइड हो गई। आंसर इज ए, हेक्टेयर। +5 मार्क्स, ठीक है, +5। जिसने भी सही बोला आंसर, सृष्टि ने बोला, दीपल, एबी, आयुषी, सृष्टि, लिपिका, गुड 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 गुड, बढ़िया बढ़िया। ये वाला बताओ भाई, 40 क्वेश्चन कर लिए हमने, बहुत बढ़िया। 41 बताओ जल्दी से, 41 बताएंगे सारे बच्चे। गैलेक्सी होता है, देखा, स्टार का गैलेक्सी होता है। आई टोल्ड यू, स्टार का जो कलेक्टिव नाउन है दैट इज गैलेक्सी। बट इसका क्या है मतलब? तो क्वेश्चन गलत नहीं लग रहा है? जैस्मिन होगा फ्लावर, ब्लॉसम तो होगा नहीं, बुके का क्या होगा? फ्लावर होगा। जैस्मिन का तो क्या ही होगा, बुके होगा। आई थिंक इसका आंसर सी होना चाहिए, है ना। आंसर की गड़बड़ है, बेसिकली अधूरा है आंसर, है ना, अधूरापन है इसमें। ब्लॉसम क्या करोगे यार, ब्लॉसम नहीं करेगा इसमें कुछ। देखो, स्टार क्या है? एक यूनिट है जिसका कलेक्टिव नाउन हो गया गैलेक्सी। ऐसे ही बुके भी नहीं होगा। हाँ, पेटल को हम कह सकते हैं, फ्लावर बना सकता है ये, पेटल हमारा फ्लावर बना सकता है। डी होगा क्या आंसर? क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है तो जो मर्जी दे दो, आंसर तो सही होना है। अगर CUET में आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो क्वेश्चन ही गलत है, एरर वाला है, तो उसके आपको बेटा पूरे मार्क्स मिलेंगे, उसके आपको पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन ही मिस्टेक वाला है, राइट, पेटल से फ्लावर बन जाएगा। यस गुड। सृष्टि, आयुषी, ए बी, दीपल, लिपिका, गुड। बुके नहीं होगा यार, देखो यहाँ पर एक यूनिट है ना, अगर यहाँ पर एक यूनिट होती और फिर उसका कलेक्टिव होता तो वी कुड हैव सेड दैट। बट हियर पेटल कैन बी वन यूनिट एंड द ग्रुप ऑफ पेटल्स इज व्हाट अ फ्लावर इज कॉल्ड। फ्लावर इज अ ग्रुप ऑफ पेटल्स। गुड, गॉट इट। चलो बढ़े। नहीं आयुषी, नहीं गई हूँ, बट जाऊंगी कभी, ठीक है। तुम गए हो क्या? ब्लेंडर का मतलब क्या होता है? ब्लेंडर का मतलब होता है मिस्टेक कर देना। मेड अ ब्लंडर, मैंने एक मिस्टेक कर दी है, एरर कर दिया है। यूफोरिया इज बहुत ज्यादा खुशी में, हैप्पीनेस में होना। पीक का हियर, वॉर का पीस, एंगर का रेज। रेज इज ऑल्सो एंगर। पेटल बायोलॉजी में पढ़ी थी, क्लास 10। यस यस मैम, बहुत डिवाइन है। ओके, आई विल गो सम टाइम जब फुर्सत मिलेगी यहाँ से, CUET से। चलो बेटा बताओ, मैं जाऊंगी लेकिन। डी, एंगर, रेज, यूफोरिया भी तो हो सकता है यार। यूफोरिया का मतलब होता है मतलब अलग ही लेवल की खुशी हो रही है आपको। इसका आंसर ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं इसके आंसर, पता है। एंगर, रेज, रेज का मतलब होता है बिल्कुल बहुत गुस्सा, जिसे हम कहते हैं दैट इज रेज। बिल्कुल, वॉयलेंट एंगर इज रेज। यूफोरिया इज लाइक बहुत ही अलग लेवल की हैप्पीनेस जो आपको दुनिया से अलग ले जाए। यूफोरिया दोनों हो सकता है, ए भी है, डी भी पॉसिबल है। फीलिंग ऑफ स्टेट ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट, ठीक है, डी बोल रहे हैं बच्चे, ठीक है, डी इज करेक्ट, ए इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है बेटा, डेली वो कैब इज डन एट 2 PM। डेली दोपहर 2 बजे वो कैब लेनी चलती है। मेरी पिछली 2 क्लास जाके देखो, आपको मजा आ जाएगा। मतलब मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आप पहले बाकियों की देख लो, बाकी टीचर्स की, और मेरी क्लास आप देख लो, ठीक है, फिर आप मेरी क्लास देखने आना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की मैंने आज भी क्लास ली है, कल भी क्लास ली है, और डेली ले रही हूँ यार, कब से 30-40 क्लास तो मैं पढ़ा ही चुकी हूँ अभी तक। और देखना है, परी मजा आएगा आपको। यूफोरिया, चलो ठीक है। यस, आंसर इसका क्या है? ए है या डी है?
चलो तो यार आज के लिए काफी हो गए, इतने क्वेश्चंस बहुत कर लिए हमने, है ना। आज की क्लास को अपन एंड करेंगे, क्वेश्चंस तो खत्म कभी नहीं होंगे लेकिन हम जरूर खत्म हो जाएंगे अगर इतनी लंबी क्लास चलाते रहे, है ना। अपने को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए अब। क्या बोल रही है ये सृष्टि? नहीं, वर्टिब्रेट होता है दीपिका? आर यू श्योर स्नेक वर्टिब्रेट है? देखो स्नेक को यार, ये थोड़ा बायो का सवाल है, देखो ये तुम खुद सर्च करो। देखो मेरी जितनी इंग्लिश की समझ है मैंने आपको बताया, लेकिन बायो वाली समझ से तो वो तो मैम बताएंगी बायो की, कि स्नेक में रीढ़ की हड्डी होती है या नहीं होती है। अब मेरे को देख के तो नहीं लगता कि उसमें कुछ होता होगा हड्डी वड्डी जैसा, पर ठीक है मेरे को जितनी समझ थी मैंने आपको इनवर्टिब्रेट बता दिया। ठीक है चलो ओके, अभी क्या करते हैं क्लास को हम लोग खत्म करेंगे। एंड अगेन आपको थोड़ा सा मैं बैच के बारे में बता दूं, ठीक है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई हैव टू मेक। तो डेली मेरी जो क्लासेस होती हैं इस चैनल पर, लेट्स क्रैक्स यूटी पर, वो होती है दोपहर के 2 बजे, जहां पर मैं प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी कराती हूँ। 5:30 बजे शाम को मेरी क्लास होती है, जहां पर मैं वर्बल एबिलिटी सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराती हूँ। दूसरी बात, जो आपका बेटा प्रीवियस ईयर के लिए या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की मैं क्लास फ्री में भी लेती हूँ ऑन द अन अकेडमी ऐप। ऐप पर जाके ऑल यू नीड टू डू इज सीयूईटी कैटेगरी को खोलो, वहां पर मेरा नाम सर्च करो, जानवी मेहरा। जब आप वहां मुझे सर्च करोगे आपको मेरी वहां पे सारी फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। मेरी क्लासेस को आप अनलॉक कर लेना ये पासवर्ड डाल के, सीयूईटी लाइव जब डालोगे मेरी सारी फ्री क्लास आप देख पाओगे, ठीक है। वहां पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि फिर उससे क्या होगा कि मेरी जितनी भी न्यू क्लासेस हो रही होंगी उनकी आपको फोन पे नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगी। ओके मेरे पापा बोल रहे हैं होता है स्नेक में बैकबोन होता है। ओके थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास, थैंक यू लिपिका, थैंक यू सो मच। एंड कल टाइमिंग चेंज हो सकता है 2 PM वाली कल। ओके कोई बात नहीं, आप लोग रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। एंड जो बच्चे हम लोगों के साथ और सीरियस लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं मेरे साथ वरुण सर के साथ, सो अगेन वी आर लाइक वी हैव नोन सीयूईटी इन एंड आउट। 2022 हैज लाइक शोड इट, एंड अब 2023 में हम लोग फिर से सफलता बैच लेकर आए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 6 महीने का अपना बैच है पूरा, मई से तो जब तक आपका सीयूईटी चलेगा चलेगा, हमारा ये बैच अभी से स्टार्ट हो रहा है जनवरी से। इसमें डोमेन्स भी मिलेंगे आपको, साइंस आर्ट्स कॉमर्स के डोमेन्स आपको पढ़ाएंगे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स। बैच का प्राइस है कुछ 5,000, नो नीड टू पे दिस मच ऑफ अमाउंट, इतना पे मत करना। अगेन डिस्काउंट मिलेगा, ये कोड लगा लेना सीयूईटी लाइफ, सीयूईटी लाइफ। ओके चलो बाय। तो फिर स्टार फिश होगा, हाँ आंसर फिर स्टार फिश होगा, है ना। आयुषी कह रही है कि कल टाइम ठीक है मैम, सृष्टि बोल रही है ओके, दीपिका कह रही है वर्टिब्रेट होता है फिर स्नेक। ओके मैम मेरे को आपकी क्लास मिल गई, आपकी इंग्लिश सॉर्टेड है। ओके ओके आयुषी, देन मिलते हैं हम लोग, है ना, कल की क्लास में। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। इतना काम अपने आप कर दिया करो यार, मैंने बिना बोले। चलो बाय, ठीक है।